हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं फॉन्डेंट केक के लिए। हमने चॉकलेट फ्लेवर का स्पंज केक लिया है और इसे हम शार्प एजेस में बनाएंगे। इसके लिए मैंने इसी साइज का ये बेस लिया है। इसको हम कट करेंगे इसी के साइज में। ये जो हमने लाइन बनाई है राउंड में, मार्क किया है इसको, इससे थोड़ा सा हम बाहर कट करेंगे। ये हमने राउंड शेप का बेस तैयार कर लिया है जो बिल्कुल इसी के साइज का है, हमारे केक के साइज का। अब ये जो सबसे ऊपर वाला शेप है हमारा, इससे हम बीच में रखेंगे और बीच वाला हमने नीचे रखा है। चॉकलेट सिरप लिया है, थोड़ा पानी डाला है इसमें। अब हम इसे सोक करेंगे थोड़ा। अब इसमें ये चॉकलेट गनाश हम लगाएंगे। चॉकलेट गनाश आप घर में भी बना सकते हैं। अब ये ऊपर वाली लेयर को हम बीच में रखेंगे। ये सबसे नीचे वाला जो लेयर है हम इसको ऊपर रखेंगे ताकि ये प्लेन रहे, प्लेन दिखे। गनाश हमने लगा दिया अपने केक पे। हम इस पर एक बटर पेपर लगाएंगे जो इसके साइज का ही है और थोड़ा हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर की एयर अच्छे से निकल जाए। अब एक केक का बेस और हमने लिया है, इसके ऊपर हमें इसे लगाना है इस तरह। अब हम अपने केक को पलटा देंगे। अब ये गनाश हम साइड से लगाएंगे। अब पूरी तरह से हमारे इस केक में गनाश लग चुका है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे पूरे एक घंटे के लिए ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। फिर हम इसमें फॉन्डेंट लगाएंगे। अब अपने केक को कवर करने के लिए हमने ये फॉन्डेंट लिया है, वाइट फॉन्डेंट विजियन का। इसे रोल करना है। हमारा केक भी रेडी है जो सेट हो चुका है गनाश के साथ। अब इस फॉन्डेंट को हमें इसे कवर करना है और उसके पहले हम ये वैक्स पेपर निकालेंगे। ये हमारा बेस है जो नीचे जाएगा, इसको टर्न करेंगे। ये जो हमने ऊपर लगाया स्लोली स्लोली इसे रिमूव करना है। ये हमारा शार्प एजेस केक रेडी है। अब इसे हमें कवर करना है। अब जो ये एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है हमें इसे रिमूव करना है।
अच्छे से प्रेस करेंगे। चारों तरफ से अच्छे से प्रेस करने के बाद और फिर एक्स्ट्रा फॉन्डेंट निकालना है। अब ये हमारा शार्प एजेस फॉन्डेंट केक रेडी है। आप इस पर कुछ भी डिज़ाइन दे सकते हैं जो आप चाहते हैं, कोई भी कलर से डिज़ाइन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।